यूनिट 8 डेप्रिसिएशन सब्जेक्ट कोड 307. दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट ऑफ दिस डेप्रिसिएशन. इट्स नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी वाले सेक्शन को देखें, चूँकि पहले हमने जो स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर्स मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, ये सब पढ़े थे, वो विथ एग्जांपल्स थे. ये आपको नॉलेज के लिए ज़्यादा बेटर है कि यहाँ तक भी इनको समझ लें, ताकि ध्यान रहता है कि और कौन कौन से मेथड थे. तो इंश्योरेंस मेथड और रिवॉल्यूशन मेथड, इसमें हम लास्ट ये दो देखेंगे. इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ परचेजिंग सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज्ड फॉर एन अमाउंट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे लमसम इन रिटर्न फॉर ए सम नोन एज प्रीमियम टू बी पेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. जैसे हम लोग पॉलिसी लेते हैं, तो पॉलिसी जब एंड होने वाली होती है, फिर नई रिन्यू कराते हैं, फिर नया अमाउंट जमा कराते हैं, साल भर फिर काम करता है. तो ये बस वैसी पॉलिसी है. इस मेथड में आपको बजाय कोई सिक्योरिटीज परचेज करके रखें या कोई अमाउंट रखें, उसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, एक इक्वल अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी पड़ेगी, जो कि जब रिप्लेसमेंट का समय आएगा उस समय वो ऐसे रिप्लेस हो जाएगा. तो ये इंश्योरेंस कंपनी इसमें क्या करती है, एक अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है जो एज ए प्रीमियम के रूप, उसको कहते हैं प्रीमियम, कि हमें उस कंपनी के लिए उस एसेट का एक प्रीमियम जमा कराना पड़ता है. इस प्रीमियम के बाद में आप उसको एवरी ईयर रिन्यू कराते रहिए, तो वो आपका एक तरह का एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाता है. अंडर दिस मेथड इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट बट ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द एसेट्स. इस मेथड में न केवल फंड प्रोवाइड किए जाते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन एक सिक्योरिटी भी हो गई, एक तरह का इंश्योरेंस हो गया. व्हेन द पॉलिसी इज टेकन द एसेट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट एनी लॉस. अब आपने पॉलिसी ले ली तो इसका एक फ़ायदा और क्या हो गया इस मेथड का, कि मान लीजिए उस पार्ट में कभी ब्रेक डाउन हो गया, कोई बड़ा चोरी हो गई, पानी में डूब गया, कोई उसमें आग लग गई, ऐसा कुछ भी ऐसी मिसहैपनिंग होती है, उस समय पर वो पॉलिसी उसको कवर करती है. तो इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है, बीमा कंपनी को भी हो रहा है, उसको अपना एक सेट अगर कुछ नहीं होता है तो उसको उतने पैसे मिल ही रहे हैं. कंपनी को ये फ़ायदा है कि जब लास्ट में वो एसेट को लेने का टाइम आएगा तो उस पॉलिसी से इतना पैसा उसको मिल जाएगा कि इंश्योर्ड भी है पॉलिसी, उस पैसे को कंपनी अपने काम लेती है उस समय, जो भी बीमा कंपनी है वो. द सिस्टम इज एप्लीकेबल भी कॉस्टली वेस्टिंग एसेट्स. ये सिस्टम एप्लीकेबल है जो महंगे एसेट हैं उनके लिए ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा है. देन वी कम टू इस मेथड में और क्या होता है, द एसेट अकाउंट रिमेन्स एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट. जो एसेट अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें आइटम जिस रेट का परचेज किया जाता है वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट उसी में वही रखी जाती है, उसको अपन रिड्यूस नहीं करते. क्योंकि जो पॉलिसी होगी, अगर आप ऐसे सोचोगे कि कोई आइटम 5 लाख का लिया तो पॉलिसी 5 लाख पे बनेगी, आपको प्रीमियम 5 लाख वाला पे करना है. ऐसा नहीं है कि साहब 2 साल बाद तो 1 लाख का रह गया तो पॉलिसी 1 लाख की बना दो, नहीं. यहाँ पे ये अपनी कंपनी के अपनी अर्निंग है कि आप 5 लाख की पॉलिसी कराइए, प्रीमियम ज़्यादा आएगा, लेकिन पार्ट सेफ भी है लाइक इंश्योरेंस, जैसे आप कोई भी इंश्योरेंस करते हैं. तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए कि द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ दैट ए डेफिनेट अमाउंट इज रिसीव्ड ऑफ मेच्योरिटी अंडर डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट. देयर मे बी लेस लॉस व्हेन द इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एंड दिस रिस्क इज इन अवॉइडेंस विद. अब यहाँ देखिए एडवांटेज क्या है इस मेथड का, कि एक निश्चित अमाउंट हमें मेच्योरिटी पे मिल जाता है जिससे हम नया परचेज कर सकते हैं. इसके बाद में आप देखिए डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, अंडर डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट है, देयर मे बी ए लॉस, उसमें लॉस हो सकता है क्योंकि आप इतना हैवी प्रीमियम पे कर रहे हैं. द इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एंड रिस्क इज अवॉइडेड हियर, तो यहाँ पे उसकी रिस्क अवॉइड हो जाती है. देन देयर इज ऑल्सो मोर सिक्योरिटी. अब इंश्योरेंस पॉलिसी में एक और सिक्योरिटी ज़्यादा क्या है, हाउ एवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ओवर बर्डन विथ डेप्रिसिएशन टुगेदर विथ रिपेयर्स. अब क्या होगा, इसमें आप ऐसे ही देख सकते हैं कि आप लगातार प्रीमियम पे कर रहे हैं और हाई रेट का पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है
उसके अंदर ये एक्स्ट्रा एंट्री आ रही है प्लस साथ में मेंटेनेंस भी हो रही है। अब आपका ये तो नहीं है कि आपने ये बोल दिया कि उस कंपनी मेंटेनेंस कंपनी देगी, मेंटेनेंस तो आपको करनी है, तो उस समय पर आपको ऐसा लगेगा कि आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट थोड़ा ओवरबर्डनड हो रहा है। द प्रीमियम ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज पेबल इन एडवांस व्हेन द पॉलिसी इज टेकन। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप पॉलिसी कराते हैं तो आप क्या करते हैं, एडवांस में प्रीमियम देते हैं। तो उसी तरीके से 5 लाख का अगर मशीन है तो आपको 5 लाख का एक बीमा की पॉलिसी का प्रीमियम आपको एडवांस में देना पड़ेगा जो आपका साल भर काम करेगा। उसके बाद फिर पॉलिसी नेक्स्ट ईयर फिर बनेगी। हो सकता है कंपनी की पॉलिसी में वो 5 लाख के आइटम को 4.5 लाख ले ले उस समय, क्योंकि अगर आप उस आइटम को 3 लाख का या 2 लाख का दिखा दोगे तो नुकसान क्या है बताइए। नुकसान ये है कि अगर आप कंपनी को ये कहते हो कि 1 साल बाद हमारा आइटम तो 1 लाख का रह गया, अब आप पहली पॉलिसी के अंदर आप ऐसा करो सब 1 लाख की पॉलिसी बना दो, ठीक है वो प्रीमियम 1/5 दे देगा, 20,000 का प्रीमियम आपको बना के दे देगा। अब मान लीजिए मशीन में आग लग गई, चोरी हो गई, पानी में डूब गई, अब क्या होगा, वो प्रीमियम भी 1 लाख वाला ही देगा, मशीन भले ही 5 लाख की थी। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखने की होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप लोग अपनी गाड़ी का जब इंश्योरेंस कराते हैं तो बड़ी झिकझिक आती है, अरे सब पेमेंट ज़्यादा आ रहा है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पेमेंट सब बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वो क्या करता है, ठीक है सर वैल्यू कम कर देता हूँ। मान लीजिए आपने 10 लाख की कोई गाड़ी ली है, पहले साल 20,000 की किस्त आई है, दूसरे साल 18,000 की आ रही है, आपने बोला सब बहुत ज़्यादा है इसको कम करो, तो इंश्योरेंस वाला क्या करता है, आपकी गाड़ी की कीमत को 4 लाख या 3 लाख दिखा देता है। आप कहते हो हाँ अब ठीक है सब, लेकिन अगर उस गाड़ी में एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो वो 3 लाख जितना कवर ही मिलेगा। और वैसे अगर आपने मान लीजिए प्राइस 8 लाख की है तो आपको गाड़ी अगर टोटल डैमेज हो गई तो आपको 8 लाख रुपये फिर भी मिलेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ एसेट के साथ में है। सो दिस पॉइंट शुड बी क्लियर व्हेन यू वर्क इन योर कंपनी और यू आर सेटिंग, आप ऐसा काम कोई सेट कर रहे हैं देख रहे हैं। इन इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। एक इसका फ़ायदा क्या हो गया, जब आप रिप्लेसमेंट करेंगे उस एसेट को तो आपको एक अपना सेपरेट फंड मिल जाता है उस समय नए एसेट को लेने के लिए। बेटर सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड टू द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर के लिए एक बेटर सिक्योरिटी है बाई एजम्पशन ऑफ रिस्क बाई इंश्योरेंस कंपनीज। अब मान लीजिए इन्वेस्टर ने किसी को 5 करोड़ की मशीन दी है, मतलब किसी कंपनी को हेल्प की है, तो उस इन्वेस्टर के हिसाब से वो इन्वेस्टर भी तो सेफ है कि हाँ ठीक है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, कुछ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंश्योरेंस कंपनी विल पे ए स्टिपुलेटेड अमाउंट विथ विच रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट कैन बी मेड। अगर मान लीजिए बीच में कभी कोई आपको रिप्लेसमेंट करना है मशीन का या लास्ट में रिप्लेसमेंट करना है तो कंपनी एक हैंडसम अमाउंट पे करती है। तो वैसे देखने में क्या लगता है, ये अमाउंट ये मेथड बहुत अच्छा है, पर इसका नुकसान क्या हो रहा है कि वही हायर प्राइस पे प्रीमियम पॉलिसी बहुत ज़्यादा बनती है। तो उस समय कंपनी सोचती है अरे इतना पॉलिसी में दे देंगे तब तक दे देंगे, ज़्यादा ऐसे में खर्चे हो रहे हैं, तो एक तरह का एक बैलेंस बनाना पड़ता है। नुकसान क्या है, अब जब फायदे हैं तो नुकसान भी आएंगे। दिस मेथड इज़ मोर एक्सपेंसिव सिंस इंश्योरेंस कंपनी कीप्स इट्स ओन मार्जिन। अब कंपनी इंश्योरेंस कंपनी कोई फ्री में तो नहीं काम करेगी, अगर सभी लोग क्लेम कराते रहे, मान लीजिए 10 लोगों ने 10 लाख की 1-1 लाख की मशीनें ली 10 लोगों ने और सब ने इंश्योरेंस करा लिया, कंपनी कहती है कि हम इंश्योरेंस करते हैं, और मान लीजिए उस शेयर में बाढ़ आ गई, मशीनें डूब गई, तो सबको देने हैं 10 लाख रुपये, तो अब कंपनी क्या नुकसान में उठाएगी, नहीं। कंपनी अपना एक सेल्फ मार्जिन इतना रखती है कि अगर आधे लोग भी इंश्योरेंस लेते हैं तो भी वो लॉस में तो नहीं जाएगी, इसलिए आपको जो प्रीमियम है वो काफ़ी हैवी लगता है, ये इसका नुकसान है। व्हेन पॉलिसी सरेंडर्ड फॉर वन रीजन और अदर देयर इज अ ग्रेटर लॉस। अब मान लीजिए आपने बीच में बोला कि नहीं सर मैं तो इसको मशीन को बेच रहा हूँ, मुझे नहीं करानी पॉलिसी, मुझे तो बस आप लौटा दो पैसा, तो वो पैसा इतना कम आता है कि वो आपको बहुत बड़ा लॉस है। वो पैसा एक बार जाने के बाद लौटता तो है नहीं। द मेथड इज़ अनस्टेबल वेयर एडिशंस आर मेड टू एसेट्स ड्यूरिंग द पीरियड। ये मेथड अनस्टेबल क्यों हो जाता है, अनसुटेबल क्योंकि अगर आपने एसेट में कोई अटैचमेंट जोड़ा है वो कॉस्टली है तो वो प्राइस की कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, तो उस समय ये अनसुटेबल हो जाएगा। कंपनी कह देगी आपने जोड़ दिया हमें क्यों नहीं बताया, और जोड़ दिया तो वो उसका पॉलिसी प्रीमियम और बढ़ जाएगा एकदम, भले ही आपने उसको 8 महीने में जोड़ा, 4 या 6 साल भर के लगते हैं। तो ये इसका एक नुकसान है, ये इसका डिमेरिट है। नेक्स्ट मेथड रिवोल्यूशन मेथड। तो हमने यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी को समझ लिया, अब नेक्स्ट समझते हैं रिवोल्यूशन मेथड। दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए ये सबसे अच्छा मेथड है। वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज इज टू बी कैलकुलेटेड इज असेस्ड बोथ एट द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द ईयर
एंड एनी रेवोल्यूशन लॉसेज अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर आर कंसिडर्ड एज द डेप्रिसिएशन चार्ज। अब ये मेथड अच्छा क्यों है? क्या नई मशीन आई है, आपने एक डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट कर ली साल के शुरू में, लेकिन देखा कि साल के एंड में वास्तव में कितना नुकसान हुआ, कितना वियर टियर हुआ, इसकी अब क्या प्राइस है, तो ये भी कंसिडर किया जाता है साथ में। लॉस जो होते हैं साल भर के, उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट किया जाएगा कि हाँ इसमें इतना इतना लॉस हो गया। तो अगर मान लीजिए 10,000, 9,000, 8,000 अपन डेप्रिसिएशन अमाउंट सेपरेट कर रही थी कंपनी, तो हो सकता है 10,000 करे, फिर 7,000 कर ले, फिर 5,000 कर ले, तो उसके लिए वो बचत भी है। तो ये इस मेथड का फ़ायदा है। मेथड छोटा सा ही है। रेवोल्यूशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज मोस्टली यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ट्रिवियल इनएक्सपेंसिव एंड स्मॉल फिक्स्ड एसेट्स दैट आर नॉर्मली अकाउंट ऑन ए ओनली कलेक्टिव यूनिट। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अपन गिनते भी नहीं है कंपनी में, या बहुत सस्ते आइटम हैं, या छोटे छोटे फिक्स्ड एसेट हैं, उसके लिए ये कैलकुलेशन मेथड काम में लिया जाता है। जैसे वाटर कूलर है, कोई पंप है, तो ये बहुत बड़े एसेट भी नहीं है, इनएक्सपेंसिव भी हैं, बहुत छोटे भी हैं, बहुत बड़े खर्चे भी नहीं है, तो उस समय पर रेवोल्यूशन मेथड काम में लेते हैं। दिस मेथड मेक्स द कैलकुलेशन इजियर। ये मेथड कैलकुलेशंस को सरल बनाता है, बिकॉज इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड टू असेस डेप्रिसिएशन ऑफ ईच ऑफ सच एसेट सेपरेटली। ये हर आइटम को अलग अलग करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, हर आइटम को सेपरेट इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये मेथड थोड़ा इजी भी है। वन मिनट। देन वी कम टू रेवोल्यूशन का लॉस। अब इसमें लॉस पार्ट देखते हैं। इन फैक्ट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देयर इज़ ए डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ एन एसेट। डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उस एसेट की प्राइस में डिक्लाइन में जो वो प्राइस डिक्लाइन होगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। एग्जाम्पल द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज हायर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट, दिस इज अकाउंटेड फॉर एज ए रेवोल्यूशन लॉस। इसको अपन रेवोल्यूशन लॉस बोलते हैं। वैल्यू ऑफ दिस एसेट इज डिक्रीज बाई द अमाउंट ऑफ डेपिट द ट्रू वैल्यू ऑफ द एसेट। रेवोल्यूशन का मेथड क्या है? द फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर रेवोल्यूशन मेथड इज गिवन बिलो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज अपने को निकालने हैं, वैल्यू ऑफ द एसेट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, माइनस डिडक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, माइनस वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर। सिंपल सा एक्सपेंसेज आपने कैसे निकाले, शुरू में वैल्यू क्या है, प्लस एडिशंस हैं क्या उस साल के बीच में, उसमें से माइनस कर दीजिए जो आपके डिडक्शंस हुए साल भर में, और फिर माइनस कर दीजिए वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर में उस एसेट की वैल्यू क्या होगी। सो दिस इज रेवोल्यूशन मेथड। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक कंपनी है, ओन्स ए पूल ऑफ मैनी स्मॉल एसेट्स, उसके छोटे छोटे पूल हैं, पूल का मतलब एक छोटे छोटे एसेट्स का एक ग्रुप है जिनकी ओवरऑल कॉस्ट 1,32,000 है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द एडिशंस टू दिस पूल एसेट्स इज 48,000। आपने साल के बीच में 48,000 के एडिशन किए, कुछ और मशीन लगाई, कोई छोटी चीज़ कुछ और की, सो कलेक्टिवली द वैल्यू ऑफ पूल कितनी हो गई, 1,32,000 प्लस 48,000 विच इज इक्वल टू 1,80,000। अब रेवोल्यूटेड अमाउंट ऑफ द पूल एट द एंड ऑफ द ईयर निकला 1,64,000। आपने दोबारा उस पूल को, पूरी मशीन्स को लास्ट में फिर उसकी वैल्यू निकाली, तो आपको पता पड़ा कि अब इसकी वैल्यू 1,64,000 है। 1,32,000 का नया लिया था पूरा सेटअप, 48,000 बीच में चला गया, 1,80,000 प्राइस हो गई, एक साल बाद वो 1,64,000 अभी भी है। इससे फ़ायदा देखिए क्या हो रहा है, आपकी मशीन 1,32,000 प्लस 32,000 अभी भी आ रहा है, चूँकि आपने उसमें पैसे लगाए हैं। तो उस कंडीशन में अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? री एवेल्यूटेड वैल्यू क्या थी, 1,64,000, तो डेप्रिसिएशन चार्ज क्या आएगा, 1,80,000 माइनस 1,64,000 बराबर 16,000। तो 16,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ कि एक साल बाद नई मशीन में 48,000 के एडिशंस करने के बाद 1,80,000 हो गया, एक साल बाद उसकी कीमत 1,64,000 रह गई, तो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 16,000। बिजनेसमैन मान लीजिए कोई 33,000 का उसका कोई एसेट है ड्यूरिंग द ईयर, एक एग्जांपल लिया वापस, 8,000 रुपये उसने उसके स्टोलन या डैमेज या ऑब्सोलीट हुए एंड ऑफ द ईयर, उसने 8,000 रुपये का आपने ऐसा मान लिया, कोई उसका नुकसान भी हो सकता है, उसमें चोरी हो गई सामान में कुछ, या उसका राइट ऑफ हो गया कुछ हिस्सा ऑब्सोलीट हो गया, तो ये सब करके रीएवेल्यूटेड अमाउंट आया 24,000 का। आपने कुछ नया यहाँ ऐड नहीं किया है, देखिए इस एग्जाम्पल में 33,000 का पूल था आपका,
8000 का स्टोलन डैमेज या काम में ना आने वाले वो चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई एंड ऑफ द ईयर। अब उसकी प्राइस रहेगी 24000। इस केस में डेप्रिसिएशन क्या होगा, 33000 माइनस 8000, 24000 माइनस 24000, यानी आपने 33000 की चीज़ ली थी उसमें से 8000 तो लेस हो गए, आपके नुकसान हो गए, और लास्ट की रिवैल्यूएटेड वैल्यू कितनी निकली, 24000। डिफरेंस कितना आया, 1000, तो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज 1000 का हो गया। दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड, बहुत सरल मेथड है, समझने में बहुत ईजी है। दिस मेथड कुड बी अप्लाइड टू ए वेराइटी ऑफ एसेट्स अपॉन विच असेसमेंट ऑफ इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स इंडिविजुअली कुड नॉट बी एस्टिमेटेड इजीली। ये मेथड उन अलग अलग एसेट्स के लिए बहुत अच्छा है जिसमें हम फाइनेंशियल बेनिफिट अलग अलग लेने के लिए जो अपन कैलकुलेशन करते हैं उसमें बहुत समस्या आती है, लेकिन ये सबसे इंडिविजुअल भी मशीन को ले सकते हैं, एज ए ग्रुप भी ले सकते हैं। करना क्या है, नई की प्राइस, साल भर में कुछ उसमें खर्चा ऐड किया, कोई नया पार्ट लगाया या चोरी हो गया या डैमेज हो गया या ऑब्सोल्यूट हो गया, उसको उसमें से माइनस कर दो, और एक साल बाद उसकी प्राइस कितनी रह जाती है पूरे आइटम को, उसको फिर अपन कॉस्टिंग करते हैं, फिर उसको माइनस कर दो, जो डिफरेंस है दैट इज़ डेप्रिसिएशन चार्ज। वेयर ए बिजनेस हैज स्मॉल एसेट्स, दिस मेथड कुड बी अप्लाइड टू ऑल द एसेट्स कलेक्टिवली एज्यूमिंग ऑल द स्मॉलर एसेट्स आर एज वन बिग एसेट्स। अब कोई ऐसे बोले कि सब मैं तो अपने घर में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो बजाय आप मशीन कूलर फ्रिज हर आइटम के बजाय आप यूँ मान लो कि आपके घर में 5 लाख का सामान है, अब उसको रिवैल्यूएट करो, 5 लाख में से कितना मेंटेनेंस में गया, कहाँ कहाँ क्या क्या रिपेयर कराया, बस इस तरीके से आपको अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट मे बी द केस दैट द एसेट कुड नॉट बी रिवैल्यूएटेड एवरी ईयर और द कॉस्ट ऑफ एसेट मे नॉट डिक्लाइन। अब इसका एक नुकसान क्या है, हो सकता है मैं एक बिल्कुल नई मशीन लाया, एक साल बाद उसमें कुछ भी ना उसने खर्चा मांगा ना उसने कोई काम मांगा, एसेट की कॉस्ट भी रिड्यूस नहीं हो रही, इन सच केस नो डेप्रिसिएशन कुड बी चार्ज ऑन द एसेट। अब आप उसमें फिर क्या डेप्रिसिएशन लोगे, तो यहाँ पे आपका पूरा सिस्टम ही फेल हो गया कैलकुलेशन का। तो इस वजह से फिर इस मेथड में ये हो जाता है कि रेवोल्यूशन को आपको ये बोलना पड़ेगा कि रेवोल्यूशन भी किया पर अब प्राइस तो उतनी की उतनी बनी हुई है, उसमें कोई भी कमी नहीं आई। हो सकता है कि एक साल बाद बेचने की बात करें तो मार्केट में रेट इतने बढ़ चुके हैं उस आइटम के, वो आइटम जाएगा भी उतने में, तो फिर किस हिसाब से डेप्रिसिएशन होगा। सम ऑफ द डेप्रिसिएशन दैट इज चार्ज टू द एसेट डज नॉट शो ए स्टडी पैटर्न। आपने देखा होगा ये सब जो अपन सारे आइटम्स का जो सम करते हैं उसका कोई स्टडी पैटर्न नहीं आता, एक सेट रूल नहीं बनता इसका। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इस आइटम को बस चेक कर लिया, बस हमेशा जब भी टेबल आएगी या जब भी ये मशीन आएगी यही सिस्टम रहेगा, नहीं, काम के साथ में, क्वालिटी के साथ में, यूज़ के साथ में, उसके सबके पैटर्न चेंज हो गए। तो आपको हर टेक्निकली हर बड़ी मशीन का सेपरेट या क्लब के रूप में छोटी छोटी मशीनों का एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई पैटर्न सेट नहीं होगा। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मेथड कुड बिकम कॉस्टली। अब कॉस्टली एज रेवोल्यूशन एक्सरसाइज रिक्वायर्स असिस्टेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड सो समटाइम्स रिजल्टिंग कॉस्ट्स एक्सीडिंग इट्स बेनिफिट्स। अब कॉस्टली क्यों हो रहा है, रेवोल्यूशन आप जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस वाला आता है वो चेक करता है, गाड़ी एक्सीडेंट होती है डैमेज करती है तो आप बोलते हैं इंश्योरेंस वाला आएगा चेक करेगा इसका बजट बनाएगा, तो वो आदमी भी तो चार्ज करेगा। तो यहाँ पर आप फैक्ट्री में या मशीन में प्लांट में जिन लोगों को भी रेवोल्यूशन के लिए बुलाएंगे, ये तो नहीं है कि रेवोल्यूशन मैं और आप कर देंगे बैठ के काम करने वाली, नहीं, इसके लिए एक पूरी टीम होती है, वो हर तरीके से उसकी लाइफ एज पार्ट फोटो एक्सरसाइज करती है, उसके बाद वो रेवोल्यूशन करके प्राइस बताती है। जैसे मकान बेचने वाले आते हैं सब देखते हैं कितने कमरे हैं कितना स्क्वायर फुट बना है कितना अंदर सामान है, उसके बाद उसकी प्राइसिंग होती है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मेथड एक कॉस्टली अफेयर हो सकता है क्योंकि ये इसमें कई लोगों की मदद लगती है, एक्सपर्ट्स की मदद लगती है, एंड एक्सपर्ट्स के मतलब चार्जेस हमेशा हाई होंगे। रेवोल्यूशन इज जजमेंटल एरिया एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज डिपेंड्स अपॉन इट। अब ये एक टोटली जजमेंटल पे डिपेंड होता है, जजमेंटल का मतलब आपको निर्णय लेना है। अब मैं कह दूँ 1 लाख का लैपटॉप है, एक साल बाद अभी 1 लाख का है या 90,000 का है या उतना ही है या 80,000 का रह गया, ये जजमेंट पे डिपेंड करेगा कौन उसको रेवोल्यूट कर रहा है, कौन कितना एक्सपर्ट है, वो कितना उसको जस्टिफाई कर पाता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट भी एक्सरसाइज में कम्प्लीट चेंज हो गया। सो इफ़ द रेवोल्यूशन इज नॉट कैरीड अकॉर्डिंगली द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज कुड बी मिसकैलकुलेटेड। अगर रेवोल्यूशन को उसी हिसाब से ढंग से नहीं लिया गया तो डेफिनेटली चार्ज मिसकैलकुलेशन हो जाएंगे क्योंकि फार्मूला तो है ही नहीं सेट। रेवोल्यूशन इज ए जजमेंटल एरिया एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज डिपेंड्स अपॉन इट, ये अपने देख ही लिया। सो इफ द रेवोल्यूशन इज नॉट कैरीड आउट अकॉर्डिंगली तो ये मिसकैलकुलेशन हो जाएगी। ये शायद रिपीट हो गया ये पार्ट, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ दिस।